समझाया नहीं अभी तक, ठीक है? तो अभी आपका कुछ मिस नहीं हुआ है, तो एक बार जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है सिर्फ मैंने ये लिखवाया बच्चों, ठीक से? हाँ जी, स्क्रीन पे ही आ रहा है दोस्त क्वेश्चन जो है, ठीक है? तो जैसा कि 5 लाख शेयर इशू कर रहे थे, पार वैल्यू मेरी 10 थी, एसपीआर 2 रुपए है, तो ये सारी कहानी दी हुई है सर। एंड देन डिफॉल्टर किसकी बात करी हम लोगों ने? मिस्टर ए। सर क्या डिफॉल्टर ए की है? नहीं बेटे, पर मैंने एक चीज आपको लिखना चाहता हूँ, मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल में डिफॉल्ट करा। मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं कि उसके शेयर क्या हो गए। और प्लीज आप समझिए, एग्जाम में तो पूरी लाइन लिखी होगी ना, हिज शेयर वर फोरफीटेड, तो बस मैं वाला टाइम बचा रहा हूँ, ठीक है? और आप मुझे बताइए उसके बाद फोरफीट होने के बाद क्या हो जाता है? रीइशू। तो मैंने फोरफीट भी करे और मैंने रीइशू करे, रीइशू किसको कर दिए? टू मिस्टर एक्स एट द रेट ऑफ 8 ईच एज फुली पेड अप। मतलब मैंने बोला मिस्टर एक्स को, मतलब ये तो सारी चीजें सिखाऊंगा, बस अभी तो लिख लो आप। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? सर जी डिफॉल्टर एक नहीं है, डिफॉल्टर दो है, मिस्टर बी भी है। अच्छा सर, और मिस्टर बी का डिफॉल्ट क्या है मालूम है? मिस्टर बी का डिफॉल्ट है भाई, मिस्टर बी का डिफॉल्ट है सर। मिस्टर बी के बारे में बताओ पहले, ही इज ओनर ऑफ 5000 शेयर्स फर्स्ट टाइम, ही फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल। ध्यान से देखिएगा बेटा, ही फेल्ड टू पे फर्स्ट कॉल। मैंने फाइनल कॉल लिखा है यहाँ पे नहीं, लेकिन इसके साथ क्या हुआ, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल ही वो करा, फोरफिट कर दिया। हालांकि ये बायसनेस तो है, ऊपर वाले से, ऊपर वाले ने किस किस में डिफॉल्ट करा? दोनों में, मतलब मैंने उसे मौका दिया कि चल फाइनल भी मांग लेता हूँ, अच्छा दोनों फिर फोरफिट, लेकिन इसके साथ क्या करा, फर्स्ट कॉल मांगी नहीं दिया, फोरफिट कर दिया, समझ रहे हो? और उसके बाद इसी के जो शेयर्स फोरफीटेड हैं वो क्या कर दूंगा मैं, रीइशू। अब इसके नीचे 2 लाइनें छोड़ देना रीइशू की, क्योंकि जब मैं सिखा दूंगा फिर दोबारा क्वेश्चन को अपडेट करूंगा। तो ये आपका सारा का सारा क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे, और मैं कराऊंगा आपको सॉल्व करने के पहले। मुझे बताइए यहां तक क्लियर है सही बच्चों? चलिए अब आप मेरे को बताइएगा कि सर सबसे पहले हम लोग किस चीज की एंट्री डाले बच्चों? बैंक टू शेयर बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि कंपनी सबसे पहले एडवर्टाइज करा होगा, सारी जो पैसा है वो एप्लीकेशन बनी आएगी, मालिक थोड़ा बना दिया होगा मैंने। तो सबसे पहले एंट्री प्लीज साथ साथ करिएगा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। और प्लीज आदत रखिएगा बच्चे कि बैंक में 5 लाख शेयर, पेपर में आप 5 लाख पूरा लिखना प्लीज, ठीक है? और इनटू कितने रुपीस बच्चों? 3 रुपीस। तो टोटल कितना आ गया बेटा? 15 लाख। और 15 के बाद सर जी एग्जैक्टली, और मेरे को कोई प्रोराटा तो करना नहीं, जितनी है उतनी है। तो सिंपल सी बात है, जितनी एप्लीकेशन आई उन्हीं को मैंने मालिक बना दिया, टू शेयर कैपिटल 15। और आप देखेंगे कि मैंने एप्लीकेशन को खत्म कर दिया बच्चे, और मैं आपको बता रहा हूं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जहां पे मैं ऐसा करूंगा कि ये मैच ना हो, मैं खत्म कर दूंगा। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, एप्लीकेशन मनी जो थी उसको मैं खत्म करूंगा ही करूंगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जहां पे ऐसा हो जाए कि मैं खत्म ना करूं, ठीक है? तो अपने दिमाग में रखिएगा बच्चे, ठीक है? अच्छा सर, फिर इसके बाद क्या होगा सर जी, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चे? एग्जैक्ट, तो शेयर अलॉटमेंट ऑफ 5 लाख शेयर है, कितने
रुपए मांगूंगा? पांच 5 रुपए, क्योंकि जो मांगूंगा उसमें तो प्रीमियम भी होगा ना। टू शेयर कैपिटल कितना बच्चे? 5 लाख इंटू 3, 15 लाख। टू SBR दैट इज 2 लाख। कैसे आएगी? 5 लाख इंटू 2। सेट है जी? ओके। अब आप बताइए क्या अलॉटमेंट पे कोई डिफॉल्टर है? नहीं, तो इसका मतलब सारा पैसा मिल जाएगा। और मुझे सारा पैसा मिल जाएगा तो बैंक में कितना? 15 लाख, सर आई एम सॉरी, आई एम 25 सॉरी, लाख 25 लाख, 25 लाख। टू शेयर अलॉट। अलॉट। और बेटे ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं अलॉटमेंट का पैसा छोड़ दूंगा, भाई साहब खत्म करूंगा ही करूंगा, ये डेबिट करूंगा और इतने ही अमाउंट से क्रेडिट करूंगा। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जिसमें मैं इस लेजर को छोड़ दूं। तो मैंने डेटर बनाया, पैसा दे देगा तो ठीक, नहीं देगा तो कॉल्स एंड एरियाज पे डाल दूंगा। तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट एकदम फ्रीज होने चाहिए कि तो फालतू के लेजर है ना। ओके, नेक्स्ट बताइए बच्चे। कैपिटल शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 5 लाख शेयर पे 2 रुपए मांगूंगा, 10 लाख और 10। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्या इस पे डिफॉल्टर्स हैं? कौन कौन? ए और बी दोनों। ए भी है क्योंकि ए ने फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट करा है, बी ने भी करा है। ध्यान से सुनिएगा, अभी आप देखिएगा क्या है। तो क्या मैं एक चीज कह सकता हूं कि ऑब्वियसली कुछ पैसा तो मिलेगा मिलेगा, ठीक है। और मैं एक चीज कह सकता हूं, सर जी कुछ समझ आए या ना आए, शेयर फर्स्ट कॉल खत्म कर दूंगा। मतलब ये तो होना ही होना है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने इसको डेबिट करा 10 लाख से, मैं इसको क्रेडिट करूंगा। अब मान लो मुझे सारा पैसा मिल जाता तो वो बैंक में चला जाता। मान लो कोई भी डिफॉल्ट नहीं है, मान के चल लो ना सर कोई डिफॉल्ट नहीं है, तो बैंक में कितना आता? 10 लाख। और अगर डिफॉल्ट है तो बैंक में 10 लाख नहीं आएगा। और एक और चीज, एक अकाउंट खुल जाएगा कॉल्स इन एरियस। और कॉल्स इन एरियस क्यों हो गए भाई? एसेट होता है बिल्कुल। तो टेक्निकली ये दोनों मिला के बनेगा तो 10 लाख ही ना हमेशा। समझ रहे हो? सो बेसिकली क्या आप मुझे अब डिफॉल्ट बता सकते हैं? तो 10,000 × 2 था है ना, और 5,000 × 2 30,000। ओके भाई, मुझे ये बता डिफॉल्टर कौन कौन है, कितने शेयर पे डिफॉल्ट है दोनों का मिला के? 15,000, एक का 10 एक का 5। तो 15,000 पे कितने रुपए नहीं मिले? 2 रुपए, यानी कि टोटल कितना? 30,000। तो वो जो डिफॉल्ट है जो तेरे को नहीं मिला, मैं कह रहा हूँ छोड़ दे एक बार, तू ये बता बैंक में 9,70 नहीं आएगा, 10 लाख थोड़ा आ जाएगा तेरा? तेरे को उम्मीद कितने थी बैंक में आने की? अगर मैं बात करूं, आप ये कह सकते हो कि बैंक में सर, एक सेकंड चल नहीं रहा है, ठीक है, बैंक में वैसे तो टोटल 10 लाख आना चाहिए था, ठीक है, बट कितने नहीं मिलेंगे मुझे? 30,000। तो 9,70 मिलेंगे ना, तो बैंक में आ गया 9,70 जो नहीं मिला। आज भी तेरे को उम्मीद है कि तेरे को मिलेगा, तो वो तूने एसेट बनाया किस नाम से? कॉल्स इन एरियस के नाम से। कहिए साहब, क्लियर है बच्चे? ठीक है ना, तो कॉल्स इन एरियस का नेचर क्या होता है बच्चे? मेरा एसेट होता है। आप मुझे देख के बताइएगा क्या मैंने फर्स्ट कॉल को खत्म नहीं कर दिया बच्चे? बिल्कुल, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, आप बताइए नेक्स्ट एंट्री क्या करूँ। एग्जैक्टली गुड, मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि आपने देखा होगा ये जो मिस्टर बी है, इसने फर्स्ट कॉल डिफॉल्ट करा तो मैंने फोरफीट कर दी। अब आप मुझे बताइए फोरफीचर का मतलब क्या होता है? शेयर को कैंसिल कर देना, और उसके जो पैसे आए हैं वो उसको वापस कर देना, जब्त हो जाते हैं पैसे को, आप क्या कर दोगे? जब्त कर दोगे। तो देखते हैं सबसे पहले फोर फीचर किसके शेयर हो रहे हैं? मिस्टर बी के, ठीक है। तो मैं मिस्टर बी को मैं ये बोल रहा हूँ, देख भाई मैंने जैसे फर्स्ट कॉल मांगी और तूने नहीं दी, तो ये लिए मैंने तेरे शेयर फाड़ दिया, ठीक है ना? यस विल ही बी
ओनर फर्दर और ही विल नॉट बी दी ओनर, ही विल नहीं। नॉट बी दी, यानी कि मैं उसे बोलूंगा मैंने जितने पैसे से तुझे मालिक बनाया था उतने पैसे से मैं तुझे खत्म कर दूंगा ना, समझ रहे हो? तो मैं उसके कैपिटल को मैं मालिक कैसे बनाएगा, जब जब आप उसको क्रेडिट कर रहे थे तभी तो मालिक बन रहा था, तो शेयर कैपिटल जब जब क्रेडिट हुआ अब मैं क्या कर दूंगा, उसे खत्म कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। मेरा उससे सवाल, 5,000 शेयर थे इतने से डेबिट करो, सर वो आरसीएम क्या मैंने उससे एप्लीकेशन मंगवाया तो कैपिटल में घुसा होगा, क्या मैंने अलॉटमेंट मंगाया घुसा होगा ना, लेकिन एसपीआर को भूल जाइए, एसपीआर की बात नहीं कर रहा हूं, एसपीआर के ऊपर अलग बात है, आप एसपीआर को भूल ही जाओगे, मैं कोई नोट लिख पाऊंगा, एसपीआर पे कोई डिफॉल्ट नहीं है ना तो उस पर कोई पंगा नहीं होता, कोई होता है कुछ कहानी, ठीक है? क्या उसने फर्स्ट कॉल दी? नहीं दी, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये नहीं है, ठीक है ये आपने ऐसे लिख दिया कि सर ये डिफॉल्ट है तो मैंने क्रॉस डाल दी, बट मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, व्हाट इज द कॉल्ड अप कैपिटल इन हिज केस? दिस ए, आपने उसको मालिक 8 रुपए से बनाया हुआ है, क्यों सर मैंने आपको लास्ट टाइम से कहा नहीं था कॉल्ड अप होता तो 8 रुपए हो गया था वो, आई मीन टू से कॉल्ड अप अगर हो चुका है तो मैं ये भी बना चुका हूँ, ये भी बना चुका हूँ, ये भी क्रेडिट कर चुका हूँ, तो 8 रुपए से कर दिया तो खत्म कितने से करूंगा बेटा? बड़ी सिंपल सी बात है जी, जितने से मालिक बनाया उतने से ही तो खत्म करूंगा, तो ये जो 8 रुपए है ना बेटे ये क्या है जी आपका, सेट है ना कहानी, समझ आना चाहिए भाई, कितने रुपए आ जाएगा? 40 रुपए प्रीमियम लिख देता हूँ, तेरा बहुत ही मन कर रहा है कि सर उसने प्रीमियम दिया था, मैंने प्रीमियम को क्रेडिट करा था, तो प्रीमियम खत्म करोगे? नहीं करूंगा, अगर प्रीमियम में डिफॉल्ट होता है तब खत्म करा जा रहा है, अगर प्रीमियम में डिफॉल्ट नहीं होता तो खत्म नहीं करा जाता, क्योंकि वो जेन्युइन प्रीमियम है, उसके पीछे आपको कैश मिल चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको एसपीआर को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं, उसने जो उसके शेयर पे जो एसपीआर है वो एसपीआर में पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम एक क्वेश्चन करेंगे जो प्रीमियम पे भी डिफॉल्ट होगा पर तब बात करेंगे ना, आप मुझे बताइए पहले समझ आया, अब मुझे बताइए, मैंने उसके सामने मैंने उसे बुलाया ये आएगी जरा चाय पे, और वो जब आया मैंने उसके सामने शेयर फाड़ दिए, आप मुझे बताइए क्या उसको गुस्सा आया, भाई तू तो पैसे नहीं दे रहा फोरफिट हो, तो और जैसे उसको गुस्सा आ रहा है तो मैंने उसे बोला अच्छा एक काम करो जो तुमने मेरे पैसे देने थे वो देते तो जाओ, क्या वो देगा पैसे, आई मीन जो 2 रुपए उसने कौन सी कॉल पे डिफॉल्ट करा है? मैं उसे बोल रहा हूँ भाई तेरे शेयर फाड़ दिए जो 2 रुपए तूने देने थे दे तो दे, तेरा कैसी बात कर रहा हो, जिंदगी में नहीं दूंगा आपको 2 रुपए पैसे, एक तो मेरे को मालिक से हटा दिया तो रिलेशन तो खत्म हो गया ना बेटे, तो आप मुझे बताइए ये जो कॉल्स इन एरियर्स की आपने उम्मीद बांध रखी थी कि मेरा एसेट है ये मुझे मिलेगा, क्या भी आपको मिलेगा? तो खत्म कर दो ना इस एसेट को, क्या आपको कोई उम्मीद है वो आपको पैसे देगा? बेटे रिश्ता खराब हो रहा है आपका उसके साथ, शेयर फाड़ दी उसके सामने आपने, वो क्या बोलेगा ये लो बच्चों पैसे ले लो, और जिंदगी में नहीं दूंगा, ऐसा भी हो सकता है आपके सामने ऐसे पैसे बोले नहीं दूंगा आपके लिए, तो बेसिकली कॉल्स इन एरियाज 5,000 शेयर्स पे कितने रुपए? नहीं। तो जब आपने उसको बोला कि 2 रुपए दे दे, उसने कहा नहीं दूंगा, वो कह रहा अच्छा मैंने जो आपको पैसे दिए वो मुझे वापस कर दो, कर दो वापस, क्या वापस नहीं। होंगे? यही बोला जाता है भाई आप डिफॉल्टर हो, आपने जो मुझे पैसा दिए भूल जाओ, मैं आपको वापस नहीं करूंगा, और उसको क्या बोला जाता है शेयर फोर फीचर, किसी के पैसे को जब्त कर लेना फोर फीचर बोला जाता है। एक बात बताइए, तो मैं पहले एंट्री लिख देता हूँ फ्लो से फिर उसके बाद बात करूंगा, शेयर वो कह रहा मेरे पैसे दे दो, मैंने कहा एक बात बता तेरे शेयर कितने? 5,000। मैंने बोला तूने कितने पैसे दिए हैं मुझे? 6 रुपए। प्रीमियम मत डालिएगा प्लीज, जब प्रीमियम डेबिट नहीं हो रहा तो क्रेडिट भी कहीं पे भी नहीं होगा, पार वैल्यू की बात चल रही है पूरी की पूरी। मैंने उसे कहा तूने मुझे 6 रुपए दिए? कह रहा हाँ। मैंने पूछा तेरे को वापस चाहिए? कह रहा हाँ। मैंने कहा नहीं बोला,
मुझे 30,000 रुपये मांगने आया था, मैंने उसे बोला नहीं दूंगा, 30,000 का हिसाब पता लग गया आपको, 5,000 × 6, और इसी को तो शेयर फॉर फ्यूचर बोलते हैं। मेरा आपसे सवाल है, शेयर फॉर फ्यूचर का है जो लेजर है, ये क्रेडिट करा है मैंने, रीजन क्या है, मैंने क्रेडिट क्यों करा, मैंने डेबिट क्यों नहीं करा, या कुछ तो लॉजिक हो। मैं आखिरी गुड, शेयर फॉर फ्यूचर इज योर इनकम, शेयर फॉर फ्यूचर आपकी इनकम होगी। कैसे सर जी? बेटे एक बात बताओ, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो आप एंट्री क्या डालते हो? बैंक टू बैंक लोन, इज इट योर इनकम? अगर आप लोन लेते हो तो इनकम होती है, लेकिन अगर आप वो पैसा लेके भाग जाओ तो इनकम, यानी कि अगर आपने किसी को कुछ पैसे, आपकी लायबिलिटी थी और वो बोल रहे जा तक मैं नहीं देता, कैपिटल भी तो लायबिलिटी थी, ये 6 रुपए जो उसने दिए थे क्या ये कैपिटल के अंदर नहीं घुसा हुआ था, और आपने बोला जा तेरे को नहीं देता हूं, आपने उसका पैसा जब्त कर लिया बेटे, 6 रुपीज कैश जब्त कर दिया आप, इसीलिए शेयर फॉर फ्यूचर को क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट। यू शुड नो द रीजन। और ये जो कॉल्स इन एरियाज है, ये आप कह सकते हैं एसेट रिड्यूस हो गया, और ये जो इनकम है ये क्या हो गई है बच्चे, ऑब्वियसली बढ़, समझ आप? और ये जो है ये क्या चीज है हमारी, स्ट्रेटेजी कहानी। सर रीशू की बात अभी हुई थी क्या? रीशू बाद में कर लेंगे, ठीक है? अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट एंट्री क्या डालू, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर? 5 लाख, 4,95,000, ठीक है ना, 4,95,000, तो डाल दीजिए एक बार एंट्री, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, ₹4,95,000 × 2 रुपीस, 9,90,000, सॉरी, समझ आ रहा है ना बच्चों? अगली एंट्री बताइए, कॉल्स टू कॉल्स इन एरियाज, नहीं बैंक कॉल्स इन एरियाज, टू शेयर फाइनल कॉल, और भाई साहब सवाल जाने बिना मैं फाइनल कॉल को खत्म कर दूंगा, बिकॉज ये तो होना ही होना है, क्यों कुछ बैंक में हो जाएगा कॉल्स इन एरिया में हो जाएगा। अब मुद्दे की बात यह है भाई, कॉल्स इन एरियाज में कितना होगा, 10,000 × 2, दैट इज 20,000, वेरी गुड, और कितना आ जाएगा बेटे, 9,70,000, ये उनकी कहानी भाई। अगर आपको सारी बातें समझ आ चुकी है, अभी तो बात आगे बढ़ने की है, लेकिन आपके दिमाग में बैलेंस शीट भी होनी चाहिए, और अगर आपको बात समझ आ रही है, मेरा आपसे सवाल, आपका बैलेंस शीट में कैपिटल कितने से दिख रहा होगा, कैपिटल देखो, जो शेयर फाड़ दिए वो तो बाहर हो गए, 9,95,000 ही बचे, आई एम सॉरी, टोटल शेयर कितने थे, 5 लाख, 5 लाख में से 5,000 फाड़ दिए, कितने बचे, 4,95,000, और शेयर का प्राइस क्या था, 10, बेटे 49,50,000 होगा, चेक कर लो, हो ही नहीं सकता ऐसा ना, क्योंकि मैं सारा मांग चुका हूं, तो 10 रुपए का कैपिटल में घुस चुका है, और टोटल 5 लाख शेयर नहीं है, 5,000 फट चुके हैं, 4,95 × 10 होगा, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, क्लियर है ना? दूसरी बात, बैलेंस शीट में एसपीआर कितने से आ रहा होगा, वो तो टोटल से ही आ रहा, 5 लाख × 2, 10 लाख, सर तो मैंने खत्म नहीं करे ना, समझ रहे हो? ऐसी बैंक में कितना आ रहा होगा वो तो मैं वन टू वन देखना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन आ रही है उसमें। क्या बैलेंस शीट में कॉल्स इन एरियाज आ रहा होगा? ओ नहीं, वो किधर दिखाएंगे, वैसे कॉल्स इन एरियाज में ना, अगर मैं बोलूँ इसका नेचर क्या है कॉल्स इन एरियाज का, तो ऐसा क्या, तो बैलेंस शीट नहीं आता है ना, वो प्रेजेंटेशन क्या होती है वो देख लेंगे, एसेट साइड में दिखाऊंगा, कितने रुपए दिखाऊंगा अगर आपने, एग्जैक्टली,
मैंने फोर, हाँ बी के तो क्योंकि मैंने फोर फीट कर दिए, कॉल्जन एरिया उड़ गए, सिर्फ और सिर्फ किसके बचे, एक है, एक है बी के तो फाड़ दिए ना शेयर, मैंने फोर फीट हो चुके हैं, खत्म कर दिए, ये देखो कॉल्जन एरिया खत्म। हाँ और ए के कितने शेयर पे डिफॉल्ट है, दो 10,000 पे, और कितनी कॉलों का डिफॉल्ट है, दो, दो तो 4 दो पे, तो चार 10,000 40,000 कॉल्जन एरिया आ रहा होगा, ये चेक कर सकते हैं आपको कॉल्जन एरिया आपने यहाँ पे डेबिट करा भी आखिरी में 20,000, ठीक है, और उसके बाद कॉल्स इन एरियर ये वाला 10,000 × 2 होगा 20,000, क्योंकि सर जी इसका ये जो 10,000 कॉल्स इन एरियर है ये तो आप खत्म कर बैठे, समझ आ रही है आपको बात, अगर आपको ये बात समझ आ रही है बिल्कुल सही जा रहे हो बेटे, आप मुझे बता दो कि अब मैं किसके शेयर फोर फीट कर दूंगा, तो करेंगे कर दीजिए, गुड फॉर फ्यूचर करेंगे हम मिस्टर ए के। मैं छोटी छोटी बातें फिर भी लिखना चाहूंगा, मिस्टर ए का केस अगर हम लिख देंगे ना तो बढ़िया रहेगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज कॉल्ड अ टेन, कैन यू टेल मी व्हाट इज पेड अ, पेड अप सिक्स, सो बेसिकली जो 6 रुपए इसने दिए हैं वो शेयर फॉर फ्यूचर में चले जाते हैं, जो 4 मी दिए वो कॉल्स इन एरियाज खत्म कर देता है, कॉल्ड अप से कैपिटल खत्म कर दूंगा, यही होता है ना। तो बेसिकली शेयर कैपिटल कितने से खत्म करूंगा बेटा, 10,000 × 10 1 लाख, और भाई उसने जो मुझे पैसे नहीं दिए अब वो कभी देगा भी नहीं, कितने नहीं दिए 4 रुपए, और जो पैसे उसने मुझे दे दिए मैं उसे कभी नहीं दूंगा, 10,000 × 6 = 60,000, तो कनेक्ट होना चाहिए आप, बताइए ऑल क्लियर। ओके सर, ये बात तो हमने कर ली है, बहुत अच्छी बात सर, एकदम स्मूथली निकल गई है बात, लेकिन आप मुझे बताइए रीइश्यू भी तो बात करनी है, और फ्यूचर के अंदर इससे ज्यादा बात नहीं है, बस एक केस आएगा कि अलॉटमेंट के टाइम पे भी डिफॉल्ट हो जाए, ठीक है, लेकिन आइए मैं जरा पहले रीइश्यू की बात करता हूँ। रीइश्यू के बारे में हमने किसी के बारे में तो लिख दिया था, ए के बारे में, ए की बात करते रहे, ए का शेयर किसको रीइशू करा मैंने, मिस्टर एक्स। तो सबसे पहले अगर मैं रीइशू की बात करूं कि जो मिस्टर ए के शेयर्स हैं वो मैंने किसको रीइशू कर दिया, अच्छा मिस्टर ए के शेयर थे कितने अच्छा और मिस्टर एक्स को कितने लिए, अच्छा भाई साहब बदलाव भी हो सकता, 12वीं में पढ़े हो अभी अभी आया हो याद हो, जरूरी थोड़ा ना 10 के 10 इसको दो हो सकता, 8,000 देता है इसको सिर्फ, तो अगले केस वही बनाऊंगा, तो अभी मैंने फोर फीट करे 10,000 और रीइशू भी कितने कर दिए इसके नाम पे भी 10,000 एक्स के नाम पे, और आपसे सवाल है कितने रुपए ले रहा हूं इससे, तो ये तो डिस्काउंट हो गया सर, इसी तरह यस सर डिस्काउंट इज अलाउड यस सर इन दिस केस, इट इज अलाउड इन केस ऑफ रीइशू, वाई अब मैं आपको वो बता रहा हूं पहले, तो सबसे पहले तो 8 रुपए टोटल ले रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं सोचूं क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने मिस्टर ए से कितने रुपए लिए बेटे, क्योंकि मेरे को दोनों का देखना होता है, मिस्टर ए और एक्स, मतलब मेरे को रिसीव कितना हुआ, 6 रुपए रिसीव हुआ था और इससे कितना हो जाएगा 8, टोटल कितना हो गया, क्या बात का डिस्काउंट है भाई। तो बेसिकली अगर मैं डिस्काउंट अगर मैं देखूं 2 रुपए का है तो क्या ये डिस्काउंट अलाउड है, आंसर इज यस, अगर मैं इसको 3 रुपए का डिस्काउंट देता तो मेरे को मिस्टर ए से कितने मिले हुए, 6, और इससे कितने मिलते 3 का होता तो 13, स्टिल अबव पार वैल्यू, सो इज इट अलाउड, यस इट इज अलाउड, क्या 4 रुपए का डिस्काउंट अलाउड होगा, मिस्टर ए से तो 6 मिले स्टैंडर्ड है, इससे भी 6 हो जाएंगे 12 अलाउड, 5 रुपए का डिस्काउंट, 6 + 5 हो जाता 11 अलाउड, ओके 6 रुपए का डिस्काउंट, 6 रुपए तो उससे मिले हुए, 4 रुपए और कितना आ जाता 10 अलाउड, यस, क्या मैं 7 रुपए का डिस्काउंट, क्योंकि अगर मैं 7 रुपए देता है ना तो 6 रुपए और 3 रुपए 9 रुपए की अलाउड नहीं है,
दोनों के मिला के कम से कम 10 तो रिसीव करो भाई। तो बेसिकली व्हाट इज द मैक्सिमम दैट इज अलाउड? मैक्सिमम, क्योंकि जितना उस बंदे ने पुराने वाले ने दे दिया उतना ही तो डिस्काउंट दे सकता हूँ। उन्हें 6 दे दिया तो मैं इसके 6 ही तो छोड़ सकता हूँ, सिर्फ बच्चे 4 तो देगा ही। तो मैं नए वाले को बोलूँ, दे भाई 6 तो आ रहे हैं, 4 तो दे देगा, मैं 6 का डिस्काउंट ले लेंगे मैक्सिमम। पेपर में आ सकता है ऐसे ट्रू फॉल्स में? अब ऐसे में सोचिए ट्रू फॉल्स की कोई अलग क्लास होने वाली है, अलग नोट्स आने वाले हैं और उसमें से अपने आप हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जनरल नॉलेज डेवलप हो रही है आप, हाँ है जी। देख एक चीज बताना, ये टेबल में ये है कि जब तूने डिस्काउंट दिया, तूने अभी इस बंदे को कितने रुपए का इशू कर रहा है, तो इसका मतलब कितने का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि क्या डिस्काउंट देना अलाउड है। आंसर इज मुझे पुराने वाले से 6 मिल गए। तो देख ऊपर वाले हर केस में 6 लिखा है ना मैंने, और अगर उसको मैं 2 रुपए का डिस्काउंट दूंगा तो उससे लूंगा कितना होता है, 8, तो 14 है ना। मेरे भाई पार वैल्यू तो 10 है ना, तो काहे बात का डिस्काउंट है, सही तो है। ऐसे ही अगले वाले में 1 रुपए से डिस्काउंट बढ़ा दिया 3 रुपए, तब तो तू कितना लेगा, 7 रुपए। अभी भी तो 7 + 6 है, तो फर्क 1 1 रुपए डिस्काउंट बढ़ाएगा तो 1 1 रुपया कम मिलता जाएगा, तो कहां तक जा सकता है? पार वैल्यू तो तेरे को रिसीव करनी करनी है, समझ रहे हो। तो बेसिकली आपको ये सारे केसेस अलाउड है, और आप ये कह सकते हो दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट। क्लियर है जी? मुद्दे की बात ये हुआ भाई कि मैं ही आपका सर लॉजिक बना रहा था, क्या आप मुझे रीइशू की एंट्री बता सकते बैंक हैं? बैंक में कितना? 10,000 × 8 पार्ट अच्छे है ना। और कैपिटल कितने से बढ़ेगा? करेक्ट, वो तो भाई 10 से बढ़ेगा भाई, तो कितना आ जाएगा? 1 लाख। और डिस्काउंट लिखू? नहीं, क्या लिखू? शेयर, क्योंकि आप समझिए मैं ऐसा क्यों लिखता हूं, जब मैंने किसी के शेयर जब्त करे तो मुझे कुछ गेन हुआ, उस गेन को मैंने क्या बोला? शेयर फॉर फ्यूचर। और ये वही तो शेयर है जिनको इशू कर रहा हूं, तो जो नुकसान होगा वो भी शेयर फॉर फ्यूचर में डेबिट होगा, तभी तो नेट नेट देखूंगा प्रॉफिट है कि लॉस है। पूरी की पूरी कहानी की वजह से, डिफॉल्ट करने की वजह से मैंने उसके शेयर छीन लिए और वो किसी और को दे दिए, तो इस इवेंट की वजह से मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? तो आप मुझे बताइए कि मिस्टर, ये कौन था, मिस्टर ए था, मिस्टर ए का शेयर फॉर फ्यूचर में बैलेंस था कितना? फॉर फ्यूचर की एंट्री है ना इसकी, 60,000। देख लो भैया, क्योंकि जब तुमने मिस्टर ए के शेयर फोरफीट करे, जब आपने मिस्टर ए के शेयर फोरफीट करे तो कितने रुपए आपने जब्त करे उसके? 60,000, ये गेन है आपका। और आपने रीशू करते टाइम कितने का खर्चा रिकॉर्ड कर दिया? नेट नेट फायदा नुकसान, फायदा कितने का, तो उसको कहाँ बेच दूंगा? वेरी गुड, कैपिटल रिजर्व। तो नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या हो जाती है बच्चे? शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल हाउ मच? 40,000। समझ आ गया रीशू और उसका? आसान है सारे बेटा, हमें स्कूल में तो बहुत एडवांस करेंगे, मतलब इसमें थोड़े बहुत जाएंगे, स्कूल में बहुत प्रैक्टिस करेंगे आप, इतने नहीं है फाउंडेशन के अंदर इतनी वैरायटीज। क्वेश्चन 5 6 क्वेश्चन ही होंगे बस, जो हल्के फुल्के टफ होंगे। बताइए, और हमने ए की बात तो सारी कर ली, बी के शेयर फोरफिट कर दिए हमने, बेटा रीइशू की बात नहीं यहां पे लिखवा रहा हूं, मैंने रीइशू करे तो मिस्टर वाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 4,000 शेयर ही करे, फोरफिट कितने करे थे? 5, रीशू करें 4,000, कितने पे सर? एट द रेट ऑफ 12 इंच। क्यों अलग अलग नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, तो नहीं कोई दिक्कत। अच्छा एक काम करो, क्या अच्छा फोरफीट की तो हमने डाल दी, रीइशू की एंट्री डालना बच्चे, बैंक में कितना डालोगे? आराम से कर लोगे रीइशू तो,
4,000 × 12 टू चालीस शेयर, हाँ 48,000, टू शेयर कैपिटल 40,000, टू SPR 8,000। रीशू डाल लिया और कैपिटल रिजर्व वो भी ड्राइवर में इतना हजार डाल लिया, डाल लो लिखकर कितना प्रोरेटा व्यास कराई दूंगा आराम से लगा। सबसे पहले रीशू है और मैंने रीशू किसको करे, मिस्टर मिस्टर वाई को करे बच्चे, हाँ 4,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 12। तो बैंक में डाल दूंगा 48,000, टू शेयर कैपिटल 40,000 एंड टू SPR कैपिटल कितना, एक बार मुझे पता नहीं है बस, पर फीस देनी पड़ेगी मुझे, याद नहीं अभी। रीशू की एंट्री सबको क्लियर है, तो नॉर्मली 4,000 शेयर 12 पे कर दिए, प्रीमियम डाल दिया तो ठीक है। अब आप समझिएगा कि अब मुझे कैपिटल रिजर्व में जो डालना होता है, तो मैं एंट्री लिख रहा हूँ ऐसे, एंट्री तो क्या होती है बच्चे, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल। अब मुझे बताइए कि ये जो शेयर था किसके शेयर थे, मिस्टर बी ये तो के, तो भाई मिस्टर बी फॉर फ्यूचर में बैलेंस है कितना इसका, दिस इज अ गेन यू बुक्ड, 30,000 का आपने गेन बुक करा ठीक है। तो बेसिकली आई हैव शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट बैलेंस ऑफ 30,000, दिस इज गेन। हैव यू यूज्ड एनीथिंग, क्या आपने रीशू के टाइम पे कोई डेबिट करा, नहीं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि क्या शेयर और फीचर कुछ डेबिट हुआ, नहीं, तो इसका मतलब कितने का गेन हो गया, 30,000। तो ये कहां चला जाएगा, 30,000 डॉलर लेकिन अब समझना ठीक है, यही मिस्टेक होती है, इसलिए सीधा लॉजिक नहीं लगाना, समझ गया क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर सेम थोड़ा ना रीइशू है। देख ये जो शेयर को, अब आप एक चीज समझिएगा, इसको पेपर में कैसे करोगे वैसे लिखवा रहा हूं, ये जो शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस है ये कितने शेयर्स पर है, आपको आई थिंक ये कितने शेयर्स पे दिया होता है, 5,000। सो शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंस ऑन 5,000 शेयर्स, हाउ मच, 30,000। अब आप निकालेंगे शेयर फॉर फ्यूचर बैलेंस ऑन हाउ मेनी शेयर्स, ओ भाई 4,000 इशू करे तो उससे कंपेयर करूंगा ना ठीक है, तो कैसे निकलेगा सर, एक बात बताओ, अगर 30,000 कितने शेयर का बैलेंस है, 5,000 का, तो 4,000 का कितने पे बैलेंस होगा रे, कितना आ गया, 24,000। ये समझ आई पहले सबको कहानी, तो ये सबसे पहले आपने ये क्या बनाया, ये वाला पॉइंट बनाया कि भाई मैं शेयर फॉर फीचर यूज कितना कर सकता हूँ, यू कैन नॉट यूज द एंटायर फॉर फीचर बैलेंस, यू हैव 30,000 बट आप उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपने रीइशू सारे नहीं करे आपने, समझ रहे हो। अब आप मुझे बताइए शेयर फॉर फीचर यूज, हैव यू यूज्ड एनीथिंग, यूज कहां से पता लग रहा है मुझे, रीइशू की एंट्री, तो भैया कितने का गेन हो गया, तो ये शेयर फॉर फ्यूचर 24,000 कैपिटल रिजर्व 24,000, समझ आई आप, अगर आपको ये बात समझ आ गई बैलेंस शीट में फॉर फ्यूचर का बैलेंस चल रहा है या खत्म हो गया, बच्चे है क्या तो, और अगर मैंने सारे रीशू कर दिए होते तो खत्म हो जाए, तो अगर कभी भी बैलेंस शीट में फोर फीचर का बैलेंस दिख रहा है दैट मीन शेयर फोर फीट तो है, पर अभी वो पूरे के पूरे रीशू ही है।
आपको अकाउंटेंट बोल रहा है सर हमने शेयर जब करे थे सारे रीइशू कर दिए सर, और आपको बैलेंस शीट में फोर फीचर दिख रहा है, बोलोगे भाई फिर फोर फीचर कैसे दिख रहा है? आप समझ रहे हो किस तरीके से एनालिटिकल स्टेज डेवलप हो? तो यू शुड बी नोइंग कि कब कौन सा लेजर खत्म हो रहा है, किसका इम्पैक्ट कहाँ जा रहा है, वो सब चीजें भी दिखती है। बताइए क्लियर है बच्चे? तो ये एक होलसम क्वेश्चन है, ये एक बेस है, अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ रही है तो इसके ऊपर 5-5% ही कॉन्सेप्ट बढ़ेगा। समझ रहे हो? स्ट्रक्चर तो 80% तो यही है। मुझे बताइए यहां तक क्लियर है सबको? अगर आपको क्लियर है ना भैया तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं यहां पर एक चीज डाल दूंगा, सेम क्वेश्चन चला देते हैं, और मैं जहां पे इलाबोरेट करूंगा वो ये कर दूंगा कि ये जो पब्लिक ने अप्लाई करे ना बच्चे, जहां पे मैं चेंज कर रहा हूं ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड, आप अभी नोट मत करना चाहे, एक बार मेरे को लिखने देना, फिर उसके बाद जो भी वाइट में लिखा हुआ है ना मैंने वो चेंज करा होगा। पब्लिक अप्लाइड फॉर 8 लाख इक्विटी शेयर्स, अगर 8 लाख अप्लाई करेगी, अब बोलो ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन? ओवर सब्सक्रिप्शन। कहानी यहाँ खत्म नहीं हो रही, गहरी बात जाएगी ये इलस्ट्रेशन, फोकस करना, चैप्टर में एक और ब्रेक हो रहा है, ये पॉइंट आएगा ही आएगा प्रोराटा वाला। कंपनी बेचना कितने चाहती थी? 5 लाख। मैं बाकी चीजें कॉन्स्टेंट इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हो गया, इस पर फोकस हो जाएगा, पर सॉल्व पूरा करेंगे। और पब्लिक ने कितना अप्लाई कर दिया? 8 लाख। क्या मैं इन 8 लाख के 8 लाख को शेयर दे दूंगा? ना भाई, इशू तो 5 ही होंगे, और मैंने इन 8 लाख को 3 कैटेगरीज में बांट दिया। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर, जिसके अंदर मैंने क्या करा, जिन लोगों ने अप्लाई करा 1 लाख उनको मैंने अलॉट करा नील। कुछ लोगों को मैंने आउटराइटली बोला अपने पैसे वापस ले जाओ। कितनी एप्लीकेशन? 1 लाख। उसके बाद 2 लाख एप्लीकेशन और निकाली और उसको मैंने दे दिए पूरे 2 लाख। पहली 1 लाख एप्लीकेशन पकड़ी, सारी फाड़ दूंगी मैंने, उनके पैसे वापस कर दूंगा। सर ये कैसे हो रहा है? वो छोड़ो ना आप कहानी हो। उसके बाद जो 2 लाख एप्लीकेशन थी उनको क्या कर दिया? पूरे का पूरा दे दिया। अब मुझे बताओ बैलेंस एप्लीकेशन कितनी अच्छा, इनको कितने अलॉट कर सकता हूं मैं? कैन यू टेल मी द रेशियो? इसको ना मतलब ठीक है, आप 5:3 बोल रहे हैं ठीक है, पहले मैं एक बार फिर से बोल देता हूं ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी है, क्योंकि ऑलमोस्ट बात हो गई है। आपको दिख रहा है मैंने एप्लीकेशन को जस्टिफाई कर दिया 8 लाख पे, एज इन छोटी है, छोटा सा कोने में चल रहा है, गहरा कॉन्सेप्ट चल रहा है एकदम ठीक है। 8 लाख एप्लीकेशन जस्टिफाई करी मैंने, 7 वाले कॉलम में किसको क्या क्या मिला वो जस्टिफाई करा, और वो जस्टिफाई करके क्या दिख रहा है आपको? 5 लाख। क्या मैं ये कह सकता हूं 5 लाख शेयर को 3 लाख मिले? लास्ट वाला, अगर मैं थर्ड वाले की बात करूं, that if you have applied for 5 lakhs, you received 3 lakhs. तो इसके रेशियो को प्लीज आप बोलिए प्लीज 3:2, क्योंकि मैं हमेशा ओरिजिनल को डिनोमिनेटर कर रखता हूँ, ये कोई रूल नहीं है। लेकिन तुम पेपर में 5:3, 3:2 में घूम गए ना तो क्वेश्चन में पैनिक कर जाओगे। तो मैं एक रूल दे रहा हूं आपको कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि 5 को कितने मिले बेटा, तो उसमें से ओरिजिनल डेटा क्या था मेरे पास? क्या 5 का नहीं था मेरे पास? एप्लीकेशन कितनी है? 5। अब इसको सीधा नीचे मैं आपको याद करवा दूं, डिनोमिनेटर पर रख दो एप्लीकेशन और ऊपर लिख दो अलॉटमेंट। 3:5 तो बोलूंगा यार, 5:3 बोल रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन अगले क्वेश्चन में फिर इसी को 3:5 ना बोल दो ना, जब मन कर रहा है कभी भी डिनोमिनेटर को वो कर रहे हो। तो मैं हमेशा डिनोमिनेटर में क्या लिख रहा हूं कि 5 को, लाइक इफ यू अप्लाइड फॉर 5 आपको कितने मिलेंगे रिसीव ऑलवेज। पहले बताइए यहां तक क्लियर है बच्चे? और ज्यादा अभी थोड़ी सी बात हिलाऊंगा यहां पर,
तो हम लोग, ये तो है ही। अब मुद्दे की बात ये है भाई, ये डिफॉल्टर्स भी तो थे कई। अब सवाल ये है, जो मिस्टर ए है ये कौन सी कैटेगरी का हो सकता है? कैटेगरी वन का हो सकता है ये? जब वन को आपने शेयर नहीं दिए तो डिफॉल्ट कहां से कर देगा ये? अच्छा वाई ओनली थर्ड, ही कैन बी ऑफ सेकेंड ऑल्सो। तो अगर तेरे को शेयर मिल गए तो तेरे को पर कॉल तो मांगूंगा इधर से, पैसे तो तू एप्लीकेशन ही देता है सिर्फ, समझ रहे? ये थोड़ा है कि जिनको पूरे मिल गए उनसे पैसे पूरे ले रहा हूं, ये थोड़ा है। क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन मेंशन करे, मैं भी आपको मेंशन होगा करूंगा। ना, अच्छा नहीं, ये अभी क्वेश्चन आपको बताएगा, ही कैन बी ऑफ कैटेगरी टू और कैटेगरी, सो यू हैव टू इंश्योर कि आप क्वेश्चन में रीड करके डिफॉल्टर की कैटेगरी डिफाइन करो। और अभी के लिए मैं इसकी कैटेगरी बना रहा हूं, कैटेगरी थ्री। अभी देखना है, एक बार चेंज कर रहा हूं जी काफी डेटा, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ओनर कितने शेयर का मालूम है ये? मिस्टर ए हु बिलोंग्स टू कैटेगरी थ्री इज अ ओनर ऑफ 9,000। फर्स्ट है, टेंशन मत लीजिए, मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, हम सब हैंडल कर लेंगे। सर कौन सी कैटेगरी? कैटेगरी थ्री, ठीक है? रही बात दूसरी, मिस्टर बी भी था ना बेटा, बाकी सब सेम है, ठीक है? बाकी सब री इशू हो गया वो सब सेम है। और मिस्टर बी हु अप्लाइड फॉर 5,000 शेयर्स, ये कौन सी कैटेगरी का? क्या मैं ऊपर हल्का सा चेंज कर सकता हूँ, थ्री को टू कर देता हूँ एक बार के लिए? वो तो कुछ भी कर दूंगा मैं, हो जाएगा। लेकिन जिस चीज पे मेरे को आपका फोकस लाना है मैं उसकी बात करूंगा। अब मेरा क्वेश्चन हो गया भाई, जो मैंने चेंज करूँ, और मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। आपको ये व्हाइट वाला जो एरिया दिख रहा है यही हमने चेंजेस करें। एक बार जरा और एक बार इसको नोट करोगे या क्या करूंगा? स्क्रीन पे ही रहने दो अभी। आप एक काम करो, स्पेस छोड़ दो, क्वेश्चन नोट कर लेना, ये मैं दे दूंगा आपको, लेकिन स्पेस छोड़ के ना सॉल्व करेंगे इसको दोबारा से। और आप मुझे बताइए, अब सबसे पहली एंट्री क्या डालेंगे आप? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना? तो 8 लाख इंटू थ्री 24 लाख, सारा पैसा। इतनी जल्दी क्यों है बेटे तेरे को पैसा लेने? धीरे धीरे करके लेना बेटा, 3 रुपए मिलेंगे पहले। पहली एंट्री डालिए बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, एंड यू शुड बी जस्टिफाइड, आपको लगना चाहिए हाँ भाई सही बात चल रही है एकदम। तो सबसे पहली एंट्री डलेगी बच्चे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि 8 लाख एप्लीकेशन आई है और शेयर एप्लीकेशन 3 रुपए की है 24 लाख। अगली एंट्री, अच्छा शेयर एप्लीकेशन खत्म कितने से करोगे? आठ, हाँ सॉरी सॉरी 24 लाख से। भाई साहब कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, खत्म होना ही होना है। शेयर एप्लीकेशन रहने नहीं दूंगा मैं इस एंट्री के बाद, 24 से खत्म करूंगा। तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट 24 लाख। अच्छा इसमें से कितना कैपिटल बना दोगे आप? बिकॉज 5 लाख को तो मेरे को ओनर बनाना ही है ना, तो 2 शेयर कैपिटल 5 लाख इंटू थ्री। 5 को तो बनाना ही बनाना है, सिलेक्ट तो करना ही है 5। कैटेगरी पे क्यों जा रहे हो आप? ए को क्या करना है आपको वो जान के? आपने 5 लाख पकड़ने, उनको बोलना है ये ओनर है, तो 2 शेयर कैपिटल 5 लाख इंटू थ्री। कितनों के शेयर आपने एप्लीकेशन फाड़ दिया आपने? एक हाँ, तो 1 लाख पे तो 3 रुपए उनके वापस कर दो, 2 बैंक कर दो, काम और बैलेंस किधर चला जाएगा? शेयर अलॉटमेंट में जस्टिफाई भी करूंगा बिल्कुल। कितना करके डाल दीजिए और इसके आगे की एंट्री मत डालिएगा अभी। हाँ, आपने सिर्फ एप्लीकेशन डाल दी ना, अब आप जरा सुनिएगा।
मैं दोबारा से इसलिए डाल रहा हूँ ताकि दिमाग में रजिस्टर भी होता रहे आपका। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितना डाला बच्चों ने? 24 लाख। सब बच्चों को फर्स्ट एंट्री क्लियर है? यस सर। और शेयर एप्लीकेशन कितने से खत्म होगा? 24 लाख। शेयर कैपिटल कितने से? और कुछ लोगों को मैंने वापस कर दिया 3 लाख। एंड शेयर अलॉटमेंट अलॉटमेंट कितना बेटा? 6 लाख। मेरा आपसे छोटे छोटे सवाल है, क्या मैं कह सकता हूँ ये बात तो सर हमें ना पता ही थी कि 5 लाख x 3 होने, ये क्वेश्चन में रीड करके हमने देख लिया कि 1 लाख वालों को रिजेक्ट कर दिया, और ये वाली फिगर बैलेंसिंग फिगर है या आप जस्टिफाई कर सकते हो? आज करोगे जस्ट? वो 5 लाख को 3 लाख दे एग्जैक्टली। एक्सेस एप्लीकेशंस, दे। क्या एक्सेस एप्लीकेशन 2 लाख नहीं है तीसरी कैटेगरी की? तो उन्होंने आपको कितना एक्सेस दे दिया? 2 लाख एप्लीकेशंस पे 3 रुपए, 6 लाख एक्सेस है। मैंने उनको वापस नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दूंगा ना तुम्हारा। और दूसरी बात सर जी, ये क्रेडिट क्यों हुआ? वो बेटे लायबिलिटी है, ये एडवांस है, ये आपने एप्लीकेशन मांगा था, ज्यादा पैसा आ गया आपके पास, क्योंकि वो लोग ने तो 5 लाख के ऊपर दिया, आपने मालिक कितने 3 लाख से, उनके 2 लाख शेयर में जो पैसा आया 6 लाख रुपए, वो आप रिटेन कर रहे हो, तो आपकी लायबिलिटी नहीं है, वो एडवांस है वो आपके लिए। दैट्स व्हाई शेयर अलॉटमेंट इज क्रेडिट। लॉजिक है जी हर बात का, बिना लॉजिक के थोड़ा बात चल रही है। मुझे बताइए यहां तक समझ आया? वैसे तो उसके टेबल भी बनते हैं, पर अभी आपका फ्लो सही चल रहा है, अगले एग्जाम्पल पे टेबल भी बना के देखेंगे पूरा कि अलॉटमेंट कैसे है और वो कैसे है। और इस पे एडवांस लेवल की बात भी होगी, क्योंकि आपने सुना होगा अलॉटमेंट से हो गया एडजस्ट, अगर फिर भी पैसा बच गया तो क्या होगा? फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, और अगर क्वेश्चन बोलेगा रिफंड कर दो, रिफंड कर देंगे, देख लेंगे क्वेश्चन जो बोलते। अगली के एंट्री डालो बच्चे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। अलॉटमेंट कितना? अब तो मालिक बन चुके हैं ना ना, ना ना ना, पैसा पूरा मांगेगा, समझ रहे? अभी से एडजस्ट मत कर। इस वाली एंट्री में पूरा बोलेगा कि 5 लाख x कितना? 5 पूरा ड्यू कर रहा है तू, ठीक है ना? 25 लाख। और ये कितना हो जाएगा? 5 लाख x 3 15 लाख, और 5 लाख x 2। क्या कोई अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट है? हम नहीं, जो सबसे आखिरी एग्जांपल होगा ना, जब ये एग्जांपल खत्म हो जाएंगे तो अलॉटमेंट पे भी डिफॉल्ट होगा, लेकिन अभी मैं अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट नहीं घुसा रहा। तो आप मुझे बताइए कि जिंदगी आसान है बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। मुझे बता दो शेयर अलॉटमेंट खत्म कितने से करो? 19 से करो, बिकॉज ऑलरेडी 6 लाख क्रेडिट हो रखा था, 19 से और क्रेडिट करूंगा तभी तो 25 का खत्म हो जाएगा और बैंक में कितना आ जाएगा? 19 हैज टू बी, क्योंकि जब मैं टोटल ड्यू 25 कर रहा हूँ, 6 मिल चुका है तो 19 ही तो मिलेगा। मुझे बताइए कोई दिक्कत यहां तक? इससे आगे क्वेश्चन हैंडल करोगे आप? अब आप क्या करिए, फर्स्ट कॉल की एंट्री डालिए, फाइनल कॉल डालिए, ठीक है? और फिर मैं हेल्प करूंगा या मैं बनाता जाऊं? बनाते हाँ, एक बार क्वेश्चन दिखा दो ना, पता लिखा दो। इसको अब देख क्या लिखा हुआ है, ओनर। एग्जैक्टली, ठीक है। अब आप मुझे बताइए नेक्स्ट एंट्री किस चीज की डालेंगे? फर्स्ट कॉल ड्यू करूंगा, नॉर्मल ड्यू करना है, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर बच्चे? आई एम सॉरी, हाँ 5 लाख x 2 2, तो 10 लाख। 10 लाख आराम से डालिए बेटे, जहां अटक रहे मुझे बता देना प्लीज। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 10 लाख। 10 लाख, और डिफॉल्टर तो है जी, एक डिफॉल्टर है मिस्टर ए, दूसरा डिफॉल्टर है मिस्टर बी। तो मैं कह रहा हूं ये वाला झमेले से पहले एंट्री तो बता होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियाज डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल को खत्म कर दो 10 लाख से, पहले डाल दो यहां तक। अब आप मुझे बताइए मिस्टर ए के कितने शेयर पे डिफॉल्ट?
9,000 रुपये ओनर लिखा है ना, बी के कितने शेयर पे? 3,000 3,000 3,000 5,000 लिखा है ना, अप्लाइड अप्लाइड लिखा, सॉरी अप्लाइड, और सिर्फ अप्लाइड लिखा इसलिए मत जाना, अगर ये सेकंड कैटेगरी का होता तो अप्लाइड पर अलॉटमेंट भी वही होते। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? दो तीन बातें चेक करने की है। सबसे पहले मिस्टर बी के नंबर ऑफ शेयर कितने लिखे हुए हैं? 5,000, और 5,000 के आगे क्या लिखा हुआ है? अप्लाइड। पर इससे भी कंक्लूजन पूरी नहीं होती, वो कैटेगरी कौन से का है? थर्ड। तो भैया थर्ड कैटेगरी में तो अगर आप अप्लाई करते हो 5,000, तो 5,000 ना मिलते भाई, 3,000 मिलते। और अगर मैं इसी क्वेश्चन में इसको कैटेगरी टू कर दूं तो 5,000 मिल रहे होते इसको, तो कैटेगरी हैज आल्सो टू बी सीन। तो बेसिकली ही डिफॉल्टेड इन हाउ मेनी शेयर्स? 3,000 शेयर्स। सही बोल रहा हूँ ना? तो टोटल डिफॉल्ट तो 12,000 शेयर का हो गया। 12,000 पे फर्स्ट कॉल नहीं मिली, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की, 24,000 का डिफॉल्ट है, और 9,76,000 यू विल रिसीव इन योर बैंक बैंक अकाउंट डेबिट, 9,76,000। समझ आया? बैंक अकाउंट 9,76, कॉल्स इन एरियस 24, एंड चिलिंग। हाँ जी बच्चे, फर्स्ट कॉल डलेगा, नेक्स्ट क्या डलेगा? फाइनल कॉल फोर फोर बी से, जो कि इसका कॉपी कर देंगे बी का, कितने शेयर? 3,000। और तो लिख दीजिए एक बार, फोर बी से 3,000 इंटू शेयर कैपिटल, आई मीन। अच्छा ऐसी डिटेल पूछ रहा हूँ, कॉल्ड अप कितना इसका एजुकेट फोर फिट कर रहा हूँ? 8 रुपये है, बाकी कहानी तो वही चल रही है। ट्राई करो फोर टीचर डालने डालिए, बस पढ़ाते जाओ आगे, क्वेश्चन पेपर नहीं कुछ बोलने को, पूरा क्वेश्चन अगर कहीं अटकोगे और वो होगा तो मैं देख लूंगा, इससे ज्यादा और कुछ पटकने का है नहीं, बस सही नहीं चल रहा बाकी। एनी एनी रीशु नहीं दोस्त, रीशु में ना एक फर्क पता क्या है ना, मिस्टर बी के तो शेयर ही 3,000 है ना, तो मैं रीशु ना 4,000 की जगह क्या कर देता हूँ बच्चे, बी के 2,000, क्योंकि 4 तो हो ही नहीं सकते थे ना, है ना बच्चों? एक ये देख लेना कि रीशु मैंने कितना करा है, 2,000 शेयर्स कर दिए बच्चे। नहीं हाँ भाई देखो, फोर फीट कर गया इसको, रीशू हाँ जी, हार्ड है ना, ऑर्डर करते कॉल्ड अप तो 8 ही है, शेयर फोर फीचर में तो पर 6 डालेगा ना, तो 6 रुपए मिले थे ना तेरे को, शेयर कैपिटल डेबिट करेगा। गेम गेम फाइनल
जो हाँ जी करें कर सकता है, क्योंकि उससे एक बीच देना देख चाहे तो इसको अभी कर रहे चाहे एंड में कर रहे, फर्क नहीं पड़ेगा कोई एंट्री के फ्लो में। क्यों? क्योंकि जब तुम अगली कॉल मांगोगे क्या इस बंदे से जिसको रीशू कराओ इससे भी मांग लोगे? नहीं मांगोगे ना। तो वैसे मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा रीशू आप में करो, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। ठीक है, फोर फीट कर दो पहले और रीशू आखिरी में कर दो, कोई बात नहीं। हाँ जी हो रहा है, हो गया, हेलो हो गया, बी हो रहा है बच्चे। अप्लाई करा 5,000 और तो अलॉट उसने कितने करे हम उसको 3,000 करवा देते, तो 3,000 × 8 करोगे तो मैं करवा देते हैं। ऐसे और भी बच्चों को दिक्कत आ रही होगी तो कहाँ तक लिखा था बच्चों हमने शेयर अलॉटमेंट तक बात हो गई थी, फिर शेयर फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सर क्या कर बी और ए की दोनों के अलग अलग-अलग अलग कर दे तो सही। शेयर फर्स्ट कॉल 5 लाख 10 लाख बैंक ऑल्सन एरियस तो शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल तो 10 लाख से खत्म हुआ, बैंक में कितना आया था 9,76,000 और ये कितना आ गया था बेटा 24,000। यहाँ तक तो सही थे ना, यहाँ तक तो सबका हो गया ना बच्चे। ठीक है, अब मैं फोर फीचर की बात कर रहा हूँ, किसके शेयर पहले 4 फीट होंगे? मिस्टर बी के। और 4 फीट कर रहा हूं तो मैं शेयर कैपिटल डेबिट करूंगा बच्चों। शेयर कैप कितने शेयर थे? 3,000 शेयर। सबसे पहले तो ये समझिए 5,000 अप्लाइड था तो 3,000 शेयर, और कितने मांग चुका था इससे? वॉल्ड अप से खत्म करूंगा ना, टू कॉल्स इन एरियस एंड टू शेयर फोर फीचर। सर अब कॉल्स इन एरियस इन 3,000 शेयर पे कितने इसने नहीं दिए थे? 2 रुपए ₹2। तो 6,000 तो मुझे कभी भी नहीं मिलेंगे ना। और रही बात फोर फीचर की, इसने जो भी मुझे दे दिए वो इसको वापस नहीं करूंगा, दाड़े दे 3,000 तो मैच हो गया आपका ये। ठीक है जी, नेक्स्ट एंट्री आप डालेंगे शेयर फाइनल कॉल तो शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल जो है 2 रुपए 2 रुपए के, पर कितने शेयर्स पे? पूरे और 5 लाख नहीं टाइम टोटल शेयर, वैसे टोटल तो 5 लाख ही देना। नहीं
तो बेसिकली 4,97,000 इंटू 2 रुपीज कितना आ रहा है? 9,94,000। ठीक है बच्चे, और जब आपने ये एंट्री डाल दी तो भाई इसके बाद डलेगा कुछ पैसा, आ जाएगा बैंक में कुछ कॉल्स इन एरियाज में, और शेयर फाइनल कॉल खत्म तो मैं 9,94,000 से ही करूं। अच्छा जी, अब मुद्दे की बात ये है कि कॉल्स इन एरिया मतलब तो डिफॉल्टर कौन है, कितने शेयर है बेटे उसके पास? आई एम सॉरी, 9,000 कर दिए थे मैंने, है ना? 9,000 थे ना उसके। भाई 9,000 शेयर पे 2 रुपए नहीं दिए थे, मतलब 18,000 नहीं दिए, सो दैट मींस कितने रिसीव हो गए थे बच्चे? 9,76,000। यहां तक हो गया था ना सबका। अब भाई उसने मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट कर दिया, फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट कर दिया, अब मैं उसके क्या कर दूंगा? शेयर फोर फिन। क्या आप बता सकते हैं कितने शेयर है उसके पास? 9,000। तो मैं उसे बोलूंगा कि भाई तेरा कैपिटल पूरा खत्म, 9,000 इंटू क्या करूं, क्योंकि कॉल अब तो पूरा हो चुका है। रही बात कॉल्स इन एरियस की, तो भाई उसने मुझे 4 रुपए नहीं दिए, जो मैंने एसेट बना रखा है, जो मुझे उम्मीद अब है भी नहीं, 36,000, और जो मैंने उसका पैसा जब्त कर लिया दैट इज 9,000 इंटू 6, बिकॉज ही पेड एप्लीकेशन एंड ही पेड अलॉटमेंट। बट व्हाट अबाउट एसपीआर? वो एसपीआर को तो साइड रखा हुआ है, क्योंकि एसपीआर का पैसा तो मिल गया था ना मुझे, तो 9,000 इंटू 6 कितना हो गया बेटा? ये 54। यहाँ तक क्लियर है? रही बात इसके शेयर्स को रीइशू करने की, क्या मैंने सारे शेयर रीइशू कर दिए थे? तो ऐसा आई थिंक सारे करे हुए थे इसके, तो सारे हो रखे थे, है ना? तो रीइशू भी इसके कितने हो रहे हैं अभी? तो मैं पहले इसी की बात कर रहा हूँ, कितने रुपए पे करे मैंने? 8। तो 9,000 इंटू 8, 72,000, शेयर फॉर फ्यूचर में 18,000, शेयर कैपिटल में 90,000। और बेटे लेने के इसी की बात खत्म करते हैं पहले। अब आप मुझे बताइए फोर फ्यूचर में कितना बैलेंस घुसा इसका? 54,000 का गेन, 18,000 का लॉस, एंड ऑल द शेयर्स फॉरफीटेड आर रीइशूड, तो सीधा ही खत्म कर दूंगा। शेयर फॉर फ्यूचर तो कैपिटल रिजर्व 36,000 एंड 36,000। पहले बताइए यहां तक क्लियर? तो मैंने एक, ये किसकी बात करी हमने? ए की, ए है या बी है? ए है, ठीक है, ए की तो सारी बात हो गई। रही बात मिस्टर बी की, मिस्टर बी के शेयर 4 फीट तो कर दिए थे, और मिस्टर बी के वैसे शेयर थे कितने टोटल? 3,000। 4 फीट की तो मैं डाल चुका हूँ एंट्री। अब मैं क्या करूंगा, मिस्टर बी के शेयर मैंने रीइशू कर दिए मिस्टर वाई को, कितने शेयर? 2,000। तो भैया बैंक में आएगा 2,000 इंटू 12, 24,000, टू शेयर कैपिटल 20,000, टू एसपीआर 4,000। और भाई साहब ऐसी बात है, इस शेयर फॉर फ्यूचर में जो भी बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व में जाएगा, पर सारा का सारा नहीं जाएगा, क्योंकि 3,000 शेयर फोर फीट करें, रीइशू 2,000 करें। तो आप मुझे बता सकते हैं इसका बैलेंस था कितने का? कितना था? 18,000 टोटल बैलेंस था। तो शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस ऑन 3,000 शेयर्स 18,000, सो हाउ मच ऑन 2,000 शेयर्स? 12,000, जिसमें से कुछ यूज हुआ? सारा का सारा मैं दोनों साहब, समझ आया पक्का से? क्लियर है ना? ठीक है, काफी डेटा है। वैसे कायदे से बोलूं तो हो सकता है 2 क्लास का डेटा है, जब ने मतलब वो एग्जांपल को शॉर्ट लिखने में वो टाइम ना देके। तो आप सबसे पहले तो क्या करिए, इसकी फोटो ले ली थी बच्चों ने क्वेश्चन की, ये ना नोट जरूर करना बच्चे, ठीक है? मतलब ये मिस नहीं कर सकते आप इस क्वेश्चन को, ठीक है? और फिर मैं होमवर्क देता हूं आपको। हाँ फोर फीचर में डेबिट नहीं होता, फोर फीचर में क्रेडिट होता है। जब तो फोर की नहीं, रीशू में सेम नहीं होता,
सर कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये तो एप्लीकेशन करते हैं आपको क्रेडिट कार्ड ये कैपिटल डेबिट होगा, तो सर जब ये करते तो वही क्रेडिट हो जाता वही का मतलब अमाउंट भी है है, अमाउंट। अमाउंट हो सकता है किसी का 4 रुपए का कॉल्ड अप खाया मैंने, फोरफीट करा, पर जिसको रीशू करा पूरे पे कर दिया, समझ रहे हैं? तो वो वाला कॉल्ड अप पे खत्म होता है, ये पूरा का पूरा अगर 10 रुपए पे दे दिया इशू उस पे हो, पर वो बताइए क्लियर है बच्चे? ओके तो आइए ना सर, थोड़ा थोड़ा होमवर्क ले लो बेटे, जैसे इन्हीं जो इन्हीं क्वेश्चंस का ना मतलब इजियर क्वेश्चन है बिल्डिंग मॉड्यूल में ना, वेबसाइट ही चल रही है क्या? चेक करना इंस्टीट्यूट की वेबसाइट चल रही है, या किसी के पास शेयर कैपिटल की फाइल है बच्चों, पीडीएफ फाइल जो थी चल रही है? तो काम करोगे, किसी बच्चे के पास पीडीएफ फाइल पड़ी हुई है शेयर कैपिटल की? तुम्हारा इस वीक में जो टेस्ट है वो कौन से चल रहे हैं? आज है ना? शेयर कैपिटल भेजू ना रे, हो गया मैडम फाइल खोल गया, खोल गया मैडम, भेज दिया आपने? अच्छा बेटा होमवर्क लिखना एक बार, ज्यादा होमवर्क चाहिए कम चाहिए? अच्छा एक या दो क्वेश्चन देना, बढ़िया एक या दो ही क्वेश्चन बस, दे जी इलस्ट्रेशन नंबर 1 दे देते जैसा कि आपने बोला। ये तो मैडम सर कौन बढ़िया करके क्या कर लिए तो 5 तक तो देना ही पड़ेगा, और फिर आपको भी होमवर्क मिलेगा क्योंकि आपने 5 तक करे, तो आप क्या करोगे, इस चक्कर में 5 के आगे मिल जाएगा। ठीक है इलस्ट्रेशन में 2 भी ले लो बेटे होमवर्क। फायदा मैडम मैं तो आपके फायदे की बात ही करता हूँ, भी इलस्ट्रेशन फायदे की बात और करेंगे, होमवर्क और ज्यादा मिले तो फायदा होगा ना। चलो आपने बोला इलस्ट्रेशन में 3 भी होमवर्क ले लो बेटे, आप सब इतने अच्छे बच्चे हो यार, आप मुझे मना करोगे? क्या इलस्ट्रेशन नंबर 4 मंगवा दूं क्या खाएगा? इलस्ट्रेशन 4 होमवर्क, इलस्ट्रेशन 5 होमवर्क। नेक्स्ट हाँ 5 तक तो कर लिए थे ना तुमने, जैसे आगे निकल गया वो तुमको होमवर्क आप और ज्यादा मिलेगा। क्वेश्चन हाँ सर आप इंटरवल में खिला सर 10 तक करके आए सर कुछ डिग्रियां हमने लेकिन हाँ मैंने खिला बनाया सर नहीं, खिलाऊंगा सर खिलाऊंगा। अब बच्चों के लिए तो स्पेशली है, पकौड़े क्या होते हैं बेसिक है, तो उन लोग के लिए तो बहुत ही हाई लेवल, आपने तुमको पकौड़े बनाया नहीं करोगे खुद ही फ्राई कर दूंगा। पर ठीक है इतना इलस्ट्रेशन नंबर 6, नहीं कहीं कुछ ना कुछ करेंगे कुछ तो यार होना चाहिए, ऐसे आप बच्चे जब से आए हो कोई भी पार्टी नहीं हुई है ना, कितना झूठ बोल रहे हो, हुई है तुम 3-4 पार्टी में तो आ चुके हो सर हाँ, तो इसलिए अब दोबारा रखेंगे तुम आओगे नहीं, तो इसलिए बंद कर दी पार्टी। सर
एक काम करते हैं यार, अपन इसको सेलिब्रेशन करते हैं, ठीक कब है? दशहरा पे नीचे लगा देते हैं, रावण को जला देंगे? सर ग्राउंड रावण फ्लोर को सर एकदम नीचे नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर इंसान सर को मत लगा पकड़ लेना, तो भी दिक्कत देते नहीं हैं होगी। सर, है मैं बम में लगा दूंगा। हाँ बॉम्ब ये रावण और ज्यादा मिलेगा ताकि तुम बिजी रहो, रावण ना बनाओ ना बम लगाओ। इलस्ट्रेशन 6 भी होमवर्क है। सबसे बड़ा रावण तो उधर बने ना, द्वारका के वहां पे सेक्टर 10। सेक्टर 10। 7 चलो आप छोड़ दो, 7 मैं नहीं करवाना है, छोटे बच्चे बेटे आप 7 रहने दो। एक देखना, इतना छोटा सा क्वेश्चन है ये, तो आपका मन ही कर रहा होगा दे दो सर होमवर्क, कर रहे ना मन? ले लो बेटा कौन दिया क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 8 ले लो। ऑल दी बेस्ट। चलो इसी बात पे 9th नहीं दूंगा फिर आपको। इलस्ट्रेशन 10 भी होमवर्क ले लो, 9 नहीं 10th होमवर्क ले लो, 11th भी होमवर्क ले लो। देखो बड़े क्वेश्चन देखो, कुछ है ही नहीं, मतलब लिखा ही नहीं रहा, ब्लैंक है एग्जाम। चलो ठीक है, 12 नहीं देता बस, नहीं नहीं 13 हो, SPR वाला हो मैंने करा। ओह माय थोड़ा सा बेटे 14th क्वेश्चन आपको बुला रहा है, नहीं आपको 14th होमवर्क ले लो बेटे। के ओ यार याद भी नहीं मुझे। बाद ओ उसके बाद चलो 15 तो नहीं हो पाएगा। ओ वेरी इजी, इलस्ट्रेशन नंबर 16 आपका फेवरेट। देखे। 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 हाँ वो नहीं चाहिए, देखे। यही बात पेरेंट टीचर मीटिंग में बोली हूँ, फिर घर वाले बम लगाएंगे। सर सैटरडे ना दशहरे पर होने वाली है, बस एकदम एनी टाइम मैसेज आने वाला है। सैटरडे का था, पर सैटरडे दशहरा तो अभी मुझे पता नहीं लग रहा एफ क्यों। का तेरे को तू कह रहा था सैटरडे हम नहीं पूजा, तो पूजा करेगा घर आसान बेचारा की पूजा होती है हमारे लिए, मैं में तो होते हैं, तो तू घर जा रहा अपने या नहीं इधर ही होगा? नहीं है दिल्ली में अच्छा कहाँ गया मम्मी पापा? मम्मी पापा मेरे मम्मी पापा तो पापा तो मैं बिहार में गई हूँ उनसे नहीं अच्छा यार तू घर पर... ये चल रहा हूँ क्या ठीक है। इलस्ट्रेशन कैसे हाँ चलो मजे, भाई मेरा फेवरेट नहीं है, मैं कभी अगर मेरे बारे में गलत सोच रहा हूँ तो मैं हाथ भी नहीं लगाया। दारू दुष्यंत, दुष्यंत का तो भरोसा मत करो। का तेरे साथ में गलत हो रहा है सर छोटे बच्चे हैं। 17th होमवर्क ले लो रे, और आपने बेटे ऐसे बोला मेरे बारे में, ये बहुत ही बुरा लगा बेटे। अब आपको होमवर्क दिया जाएगा और ज्यादा। एक काम करो सर, ये लोग पूरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन करके लेके आए
नहीं नहीं बचा है, लेकिन अगली क्लास में ऐसा हो सकता है, अगर 2 घंटा ले लिया तो खत्म हो सकता है चैप्टर, नहीं पर एक और क्लास लगेगी, 2 क्लास मैक्सिमम में खत्म हो जाएगा। ठीक है बस इतना रख लेते हैं। ठीक है तो आप बच्चे ये होमवर्क करके आना और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएंगे और एक क्लास प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय। हाँ जी। सर, माता के साथ।